I'm not lighter. I'm feeling brave. मुझको लगता है कि मेरे में बहुत हिम्मत आई है वो बात इतने सारे लोगों के सामने बोलने की. मेरी मम्मी अभी भी अपसेट थी मुझसे जब मैं बाहर निकली तो मम्मी ने बोला क्यों बोला बेटा, ज़रूरत नहीं थी. मैंने बोला मम्मी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. वो चीज़ें कभी कभी उस वक्त पे बोलनी चाहिए क्योंकि मेरे जैसी कितनी लड़कियाँ होंगी जो ये नहीं बोल पाती होंगी. आई रियली मिस्ड बिग बॉस की आवाज़, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और यस, देयर वाज दिस एक वक्त था 7:30 बजे का शाम का, जो मुझे टाइम याद है. उसका रीज़न है क्योंकि एक तरफ अजान होती थी और एक तरफ फिल्म सिटी था इस बार, तो आई थिंक गूगल धाम में जो मंदिर है उसकी घंटी आरती की आवाज़ आती थी. आरती सिंह इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस 13, एंड शी फाइनली मेड इट विद दैट जेस्चर एंड विद दैट इनोसेंस. शी मेड इट टू द टॉप 5 of the maddening season that Bigg Boss 13 was. Welcome to Pinkvilla, Aarti. First of all, what was the first thing that you did once you were out of that madhouse after 4.5 months? I came to my house and first thing I did was I went to my mandir inside and matha teka, and that night I hugged my mom and I just slept with her. Matlab, you know that घुस के सोते हैं ना अपनी माँ के अंदर, मतलब I have craved for her, so I slept with her. You know, ऐसे बोलते हैं कि when you are doing something for say like 3 months 4 months, like you were inside the house, वो एक nostalgia, एक because you're so prone to wait, you miss that house sometimes. Did you miss Bigg Boss house at all? I missed Bigg Boss की आवाज. Okay. वो Bigg Boss चाहते हैं. I mean, I really missed Bigg Boss ki awaaz. That's it, nothing else. Or yes, there was this ek waqt tha 7:30 baje ka sham ka, jo mujhe time yaad hai. Uska reason hai kyunki ek taraf azan hoti thi aur ek taraf film city tha is baar, to I think Gokul Dham mein jo mandir hai uski ghanti aarti ki awaaz aati thi. To wo aadha ghanta I used to just sit there and tell God ki please tameez mein rakhna. मतलब मैं रोज़ ऊपर वाले से ये बोलती थी मेरा दायरा क्रॉस मत होने देना एवरी डे. एंड आई थिंक वही बिग बॉस की आवाज़ और वो एक दो चीज़ें आई मिस इन द हाउस. राइट, यू नो आरती, जब आप अंदर थे तो बाहर कश्मीरा और कृष्णा दोनों ने बोला था कि आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, बट दे वर ऑल्सो वेरी वर्ल्ड फॉर यू बिकॉज आपको अंदर पैनिक अटैक आया था पीपल, एंड देन यू ऑल्सो रिवील्ड अबाउट अ रेप इंसिडेंट विथ अटैम्प्ट विच हैपन्ड विथ यू. नाउ दैट यू आर आउट, डिड दे स्पीक टू यू, डिड यू हैव दैट चैट, डिड यू क्लैरिफाई एवरीथिंग? यस, एंड इट्स ओके. पैनिक अटैक का तो उन्होंने इतना नहीं वो किया बिकॉज 3 दिन बाद तो मैं झगड़ने लगी थी शुक्ला के साथ, तो दे न्यू दैट चुड़ैल है, संभाल ही लेगी अपने आप को. बट उन्होंने बताया कि उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. मम्मी ने बोला दैट शी कुड नॉट स्लीप फॉर 3 डेज एंड दे वर ऑन कॉल्स, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. मम्मी ने तो ये तक बोल दिया कि बाहर निकालो. कृष्णा को बोला तू तो जानता है ना कलर्स वालों को, तूने तो काम किया है ना उनके साथ, उसको बाहर निकालो. बट कृष्णा सेड दैट बाहर निकालेंगे तो हार हो जाएगी, उसको रहने दो अंदर, उसको वो खेलेगी अच्छा, वो हिम्मत ही है. और रही बात उस इंसिडेंट की, कृष्णा वॉज लिटिल, मम्मा एंड कृष्णा बोथ ऑफ देम वर लिटिल अपसेट. मॉम वॉज वेरी अपसेट विद मी कि क्यों बोला, शादी नहीं हुई है तुम्हारी, कम शब्दों में निपटा देती, बोलना ही था. तो मैंने बोला नहीं यार, नहीं, क्योंकि जब मैंने कृष्णा से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ओवरफ्लो फ्लो में ज़्यादा इमोशनल होके वो शायद ज़्यादा बोल गई. टच वुड दैट वो हुआ नहीं था, बट अटेम्प्ट हुआ था. एंड आई हैव टोल्ड हिम एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन वर्ड टू वर्ड एंड ही वॉज वेरी टेकन अबैक. एंड आई वॉज इनसाइड द हाउस एंड आई हैव टोल्ड यू इट वॉज एन अटेम्प्ट. व्हेन I don't mind even telling it right now. मैं बहुत वो यार, मतलब जब बोला है तो ठीक से, मतलब बट आई थिंक वो मेरे को वो नहीं है कि मुझे एक एक चीज़ बतानी है, मुझे सबके साथ होता है, दैट्स इट. एंड इट वॉज एन अटेम्प्ट वेयर वट एवर जो मैंने अंदर बोला थोड़ा बहुत कि मैं भागी और मैं गिरी, एंड जब उसने मुझे खींचा तो दस सो, बट इट्स जस्ट दैट
ki I jumped and that's how I got saved. But it was an attempt, but it did not happen. Right. No, I think maybe he was a little confused क्योंकि आपने पहली बार अंदर ही ये चीज बोली थी इस वजह से. उसने अंदर आके भी बोला था कि तुमने मुझे बताया नहीं. Yeah. Because mom was not मतलब mom ने बोला था जब बात खत्म हो गई है तो वो खत्म हो गई. That is something I think most of us tend to do and especially in small town. Yeah. हमारे घर में एक वो वक्त था जब जब लोग मतलब नहीं हो मतलब दबा दो. मेरी मम्मी अभी भी अपसेट थी मुझसे जब मैं बाहर निकली तो मम्मी ने बोला क्यों बोला बेटा ज़रूरत नहीं थी. मैंने बोला मम्मी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. वो चीज़ें कभी कभी उस वक्त पे बोलनी चाहिए क्योंकि मेरे जैसे कितनी लड़कियाँ होंगी जो ये नहीं बोल पाती होंगी. और माँ पूरा वक्त निकल गया. मैंने कभी ये बात नहीं निकाली क्योंकि वो बात मैंने अटेंशन के लिए नहीं बोली थी. लेकिन उस वक्त जब लक्ष्मी को देखा ना आई वॉज लाइक नाउ दिस इज द टाइम आरती यू हैव टू ओपन. देन वो हिम्मत मिली मुझे तभी भी नहीं थी कि लोग और नॉट दैट कि मैं बहुत ब्रेव हुआ. मैंने भी इतने टाइम पे अंदर सोचा था कि मैं बहुत वक्त से ये बात मेरे अंदर दबी थी और मुझे ऐसा लगता था लोग क्या सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे प्रेशर कि मतलब. एंड ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर दीज थिंग्स आर लिटिल बट आई वॉज लाइक इट्स ओके यू आर आरती एट द एंड ऑफ द डे कम फॉर योर सेल्फ टू मेक योर नेम द बी व्हाट यू आर. सो आई ओपन हाउ डिड कश्मीर रिएक्ट बिकॉज आई रिमेंबर मैंने उनसे अभी थोड़े दिन पहले ही बात पता था ना तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस बात का बुरा लगा कि उसको नहीं पता था. मैं वो इंसान हूँ जो हर किसी के लिए स्टैंड लेती है जो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती है और मुझे यही नहीं पता था कि मेरे ही घर में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है. डिड यू स्पीक टू हर फादर? नहीं मैंने उससे नहीं बात की. मैंने उसको बोला कि मम्मा डिडंट वांट इट टू कम आउट टू एनीबॉडी एंड इट वाज यू नो व्हाट आई वाज 13 राइट नाउ वाज वेरी 14 एंड अ हाफ. सो वो बात खत्म हो चुकी थी और मैंने बोला बस. एंड यार पता क्या होता है कहते ना मम्मी ने जो बोला था वो गांठ बांध के रखा था इसीलिए मैंने वो कभी. लेकिन बट देन आई वाज लाइक इट्स वाज हाई टाइम जब वो वक्त आया सो आई स्पोक अप एंड इट्स ओके. कैश की सेंटिमेंट्स आई अंडरस्टैंड बिकॉज शी इज माय भाभी बट दैट्स व्हाट आई. डिड इट हेल्प यू गेट ओवर इट फाइनली बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि जब तक आप व्हेन यू शेयर इट विद पीपल व्हेन दैट बर्डन इज शेयर्ड इज व्हेन यू एटलीस्ट इफ नॉट कंप्लीटली फॉरगेट इट you tend to feel lighter. Did you feel light? Feeling better because I'm not lighter. I'm feeling brave. मुझको लगता है कि मेरे में बहुत हिम्मत आई है वो बात इतने सारे लोगों के सामने बोलने की कि I feel very brave. मेरे को बहुत हिम्मत महसूस होती है कि I could open up about it. Now I know how the family reacted and everything. I wanted to know because Siddharth Shukla inside the house was your rock at some point. He was your major support, if not the, you know. When he heard you share this story, what was his reaction like? Because I have not seen that, but I would really love to hear. What did he? I don't know if they've shown. When I came and then he stood up and then he hugged me. And the best part was what he told me, you know. जिस तरह से तूने वो बात बोली तुझ पर दया नहीं आई. एज वर्ड्स वर लाइक तुझ पर दया नहीं आई बल्कि लगा कि क्या लड़की है यार हिम्मत है इसमें. वो नहीं था कि अरे बेचारी वाली फीलिंग नहीं आई विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दैट्स व्हाट ही हैड टोल्ड मी. बट उस पर हमने बात खत्म कर दी बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बात थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा भी अंदर डिस्कस नहीं करना चाहती थी. मैं थोड़ा सा मेरा शेफाली जरीवाला के साथ एक डिस्कशन हुआ था जिसमें मैं खुद डरी थी कि मम्मी क्या बोलेगी कि क्यों बोला. आई डोंट नो इफ दैट शोन इट और नॉट बट मैंने शेफू को जाकर बोला था शेफू मैंने बोला है मैंने बहुत हिम्मत करके बोला है पर मुझे नहीं पता कि मुझे घर पे मम्मी क्या. नो आई थिंक इट वाज द राइट टाइम टू स्पीक आउट बिकॉज स्पेशली एट द टाइम व्हेन एवरीवन इज ट्राइंग टू
like you know encourage women to speak out in open whenever any such incident happened with them kyunki jitna hum dabayenge utna wo dabta jayega is what I feel I wanted to know Shefali ne apne ek interview mein kaha tha somewhere that Asim tried to hit on her when they were inside the house now you have seen the equation very closely I wasn't there to know what happened I wanted to know did anything of sorts happen I really don't know honestly jab Asim Himanshi aur Shefali saath mein hote the मैं हमेशा वो उस वक्त एक ऐसा वक्त था आपने अगर नोटिस किया हो कि मैं कहीं इर्द गिर्द नहीं थी और वो टेलीकास्ट में भी दिखा आई हैव ऑलवेज केप्ट माई डिस्टेंस बिकॉज मेरा वो नहीं मैच करता था वो तो जब हिमांशी चली गई तब मैं शेफाली के क्लोज आई सो आई रियली डोंट नो एंड आई एम नॉट मेरे को ना ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था अंदर कौन किस में आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड मैं कुछ जिन चीज़ों में मेरा कोई लेना देना नहीं है जिसमें मेरे को कुछ कोई वो ही नहीं है तो मैं उसमें ध्यान भी नहीं देती एंड व्हाट अबाउट करण सिंह ग्रोवर वो अंदर आए थे आपको सपोर्ट करने के लिए एंड वी हैव सीन बिपाशा आल्सो एक्सटेंड सपोर्ट टू यू डिड यू स्पीक टू देम फाइनली व्हाट डिड दे से अबाउट योर परफॉर्मेंस इनसाइड पर्सन वन ऑन वन क्या बोला है उन्होंने मोर देन एक्सपेक्टेशंस बिपाशा वाज लाइक आरती आई रियली एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू बट यू हैव सरपास्ड ऑल द Expectations. They said we are proud of you. मतलब she said like she's very मतलब if you've ever taken an interview, you've met her. She's very dignified and all. मतलब she's very prim prom. She मैं दे जाने से पहले she I had told her I remember we were at Samir Bhaiya's house and I told her very openly all of them that like listen guys I am not very elite and very tight. I'm very desi girl. So they said you be what you are. That's why we love you. But she said you were wrong. Aarti, you were very classy inside. मतलब इतने उसमें एक गाली नहीं निकलना, किसी को put down नहीं करना. She said you have shown your humanity inside. You've been with everybody, and most of the time she has said that she has. She felt she was so angry with me because she knew that I knew that this person is not loyal to me. Still, I used to go to that person to be with that person in that in their, मतलब emotional जब उनका low phase होता था तो she used to say मेरे को इतनी गुस्सा आती थी कि आरती क्यों जा रही है क्यों कर रही है but then Karan knows me so well तो Karan बोलता था Karan ने उसको बोला baby वो वैसी ही है उसको वो वैसी ही है You know, lastly, I want to know because you were always termed an underdog when it came to your journey. When it came to your journey, last तक भी, in fact, Paras ने भी कहा था कि उनको तो लगता है कि trophy आप ही लेकर चले जाएंगी. But कहीं ना कहीं, what we saw was that you were not that confident. At least till, like say, 3 months, 2 months before that, you weren't that confident. I think when I asked Krishna also, he also said that because कहीं ना कहीं you saw all of them grow in their career and you were the first one to actually step out and start you know and you couldn't get the same kind of stardom that is why it affected your confidence to some level have you now can we safely say that you have overcome that I am very happy and yes I know I mean I am seeing the response of the people that I have always craved for that. People going to my brother and telling. मतलब अभी तो ये हाल हो गया है कि जब मुझको कोई कॉल करता है और मेरी तारीफ करता है ना तो मैं उसको बोलती हूँ एक बार मेरे भाई को भी बोल दो ना सो आई एम लाइक दैट तो मुझे इतनी खुशी होती है आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द लव एंड रिस्पेक्ट आई एम गेटिंग मतलब आई डोंट नो And there's so much more to achieve right now, Aarti. Hope so. Thank you so much for talking to us and all the very best for your journey ahead. Thank you so much. If you like this video, please like, subscribe and share.